आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं द मार्केदार डील्स, महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स, सिंगल डोर एंड डबल डोर, वॉशिंग मशीन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक, बैटरीज एंड इन्वर्टर्स, वाटर प्यूरिफायर्स, आटा चक्की, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, एलईडी टेलीविजन्स, डीप फ्रीजर्स, वीजी कूलर्स एंड रेट्स सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। चेक प्राइसेस विद अस बिफोर बाइंग ऑनलाइन। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्हासनगर 3। ऑल टाइप्स ऑफ ईएमआई ऑप्शंस अवेलेबल। आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी ईएमआई पर। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्हासनगर विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राष्ट्रवादी शरद पवार गुट के नेता कमलेश निकम ने आगामी मनपा चुनाव की तैयारी करने की बात कही। जब पूछा गया कि भाजपा के कुछ नेताओं प्रदीप रामचंदानी, महेश सुखरामानी, राजेश भद्रे आदि से आपके वकालानी परिवार से अच्छे ताल्लुक हैं, उनसे कैसे निपटेंगे, इस पर अन्य कई विषयों पर कमलेश निकम ने खुलकर बात की। आइए देखते हैं कमलेश निकम ने क्या कहा। आप लोगों को विश्वास था कि ओमी कालानी काफी अच्छी लीड से जीतेंगे, पर चुनाव परिणाम उसके विपरीत आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विधानसभा के चुनाव में 52,000 से ज्यादा वोट जो है वो आदरणीय ओमी कालानी जी को मिले हैं। लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है। पिछले विधानसभा में 42,000 वोट थे, इस बार वोटों की संख्या बढ़ी है, पर पराजय हुआ है हमारा, पराजय को स्वीकार करते हैं। और इस विजय जिनका हुआ है, उन्होंने जो भी शहरवासियों से वादे किए हैं, वो वादे उन्होंने वादे किए हैं कि मेट्रो ट्रेन हमारे शहर में आएगी, हमारे शहर में पानी की व्यवस्था होगी, हमारे शहर में महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, हमारे शहर में व्यापार को सुरक्षा मिलेगी, हमारे शहर को आर्थिक व्यवस्थाओं को मजबूती मिलेगी, ये सब जो वादे हैं वो आमदार ऐलानी जी की तरफ से की गई है। अब ये 5 साल अपेक्षा रखेगी शहर की जनता की ये वादे पूरे होते या नहीं होते। खुद वो 10 साल तक आमदार रहे, उनकी धर्म पत्नी महापौर रहे 1.5 साल तक, अब फिर 5 साल का टर्म, मतलब 15 साल और वो 1.5 साल, 16.5 साल उनको पूरे शहर को विकास करने के लिए मिल रहे हैं। वो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने काम करना चाहिए जो शहरवासियों से उन्होंने वादे किए हैं। पर मैं धन्यवाद करूंगा कि आज जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें 52,000 से ज्यादा वोट ओमी कालानी जी को हमारे मतदाताओं ने दिया, मैं हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करता हूं। और जिन्होंने नहीं दिए हैं, मैं अपेक्षा करता हूं कि इस बार हम विपक्ष की भूमिका जो है ओमी कालानी, महत्वपूर्ण भूमिका में ओमी कालानी जी रहेंगे। और जो वोट नहीं जिन्होंने दिए हैं, वो अपेक्षा करूंगा कि वो वोट भी हमें आने वाले 5 सालों के विधानसभा में फिर से हमको वो लोग वोट करेंगे, उनका विश्वास हमारे ऊपर बरकरार रहेगा, इस तरीके का विश्वास मैं जताता हूं। और रह गई बात की विधानसभा नहीं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर बहुत दिग्गज नेताओं की हार हुई है, जिनको जितने वोटों से चुन कर आना था उतने ही वोटों से वो चुनाव पराजय हुए हैं। ये बहुत बड़ी शंका है लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्र की हत्या करने की जैसे बातें यहां पर हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। पर हम बोल नहीं सकते क्योंकि उल्लासनगर के राजनीति में आज ये पराजय जो हुआ है वो लोगों के मन बहुत दुखी है, लोगों की भावनाएं दुखी हुई है कि आज हमने जिसको वोट किया था वो पराजय हुए हैं। पर कोई बात नहीं, आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में ओमी कालानी जी की अध्यक्षता में और पप्पू कालानी जी के मार्गदर्शन में हम चुनाव लड़ेंगे और महानगर पालिका के चुनाव में हमारी वापसी होगी और महापौर जो है वो कालानी परिवार के माध्यम से उल्लासनगर महानगर पालिका में होगा। चुनाव के नतीजे देखें तो हर राउंड में आप पीछे हैं, तो इस दौरान ऐसा क्या हो जाएगा कि महानगर पालिका चुनाव आप जीत जाएंगे और महापौर आपका होगा? देखिए, लोकसभा जब चुनाव होता है तो उसके मुद्दे कुछ अलग रहते हैं, विधानसभाओं के चुनाव में जो है वो मुद्दे बहुत ही अलग थे। लड़की बहन का मुद्दा हो, महानगर राज्य शासन के अनेक योजनाओं के मुद्दे हो, वो अलग मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा जाता है। और महानगर पालिका के जो मुद्दे हैं वो स्थानिक मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। स्थानिक जो इनके पास के जो नगर सेवक हैं, जो 15-20 सालों से अपने वार्डों में भ्रष्टाचार किया है, उन्होंने वार्ड वासियों को लूटा है, उनके उजागर करेंगे और एक नई टीम के साथ ओमी कालानी जी मनपा चुनाव लड़ेंगे और मनपा चुनाव में हमारी वापसी होगी, ये मैं विश्वास के साथ जता रहा हूं।
कोई भी अपना मनोबल, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नगर सेवक, सभी जो साथी है, किसी का भी मनोबल कम नहीं है। सब एक जुनून से कह रहे हैं कि हम वापस लौटेंगे इस शहर की। हमें सेवा करने के लिए सत्ता की प्राप्ति तो ठीक है, पर उल्लासनगर की राजनीति के अंदर इस वापस एक बार कालानी परिवार पर लोग विश्वास करेंगे, यह मैं आशा करता हूं। आप कई बार कहते हैं कि बीजेपी को का सुपड़ा साफ करेंगे, पर कई बीजेपी नेताओं, प्रदीप रामचंद्रा ने, महेश सुखरामा ने, राजेश भद्रिया, ऐसे कई नेता हैं भाजपा के जिनका आपके साथ और कालानी परिवार के साथ अच्छा संबंध है, तो मनपा चुनाव में किस तरह से उनके खिलाफ रणनीति रहेगी? देखिए, पहले तो 141 विधानसभा पूरे उल्लासनगर के ऊपर ओमी कालानी जी ने रणनीति बनाई है। दो दिन में हम अपने नेताओं से संपर्क करके उनके साथ बैठकर एक नई रणनीति और बनाने जा रहे हैं। एक अच्छे तरीके से रणनीति बनाएंगे महानगर पालिका के चुनाव में। जिनके भी आपने नाम लिए हैं, उनके जो संबंध है, विचारधाराएं बहुत अलग अलग है हमारी। हमारी आइडियोलॉजी अलग अलग है, हम सेकुलरिज्म वाले आइडियोलॉजी के साथ में बिलोंग करते हैं। प्रदीप रामचंद्रानी जो है वो नगर सेवक का चुनाव नहीं लड़ते हैं, और ना मुझे लगता भी नहीं वो इतने छोटे चुनाव में वो सामने जाएंगे। पर जिनका भी नाम लिया है, इनको चुनाव 100% हम चुनाव इस बार हराएंगे इनको। वो नए चेहरों को हम मौका देंगे, ओमी कालानी जी वहां पर नए चेहरे चुन कर आएंगे और बंपर वोटों से चुन के आएंगे, क्योंकि जिनके भी नाम ले रहे हो इनके वार्डों से लोग त्रस्त हो चुके हैं। इन्होंने अपने ठेकेदार वहां पर जमा किए हैं, भ्रष्टाचार किया अपने वार्ड में, दम डाटी दी है लोगों को। इनकी इमेज क्या है, इनकी छवि क्या है, इनकी इनकी लोगों के प्रति भावनाएं क्या है, वो पूरी जनता को पता है। आने वाले दिनों में इनके वार्डों में जाकर इनके लिए पोल खोल करने का काम हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेतागण वहां पर करेंगे, और इनको 100% चुनाव हराने के लिए हम काम करने जा रहे हैं। और दो दिन के बाद ओमी कालानी जी और पप्पू कालानी जी के अध्यक्ष और मार्गदर्शन में हम सभी नेताओं की एक बैठक का आयोजन करने जा रहे हैं, जिस बैठक में हमारी रूपरेखा तय होगी और मनपा चुनाव जीतेंगे जरूर। और जो भी हमारे कार्यकर्ता है वो उत्साहित है, कार्यकर्ताओं में कहां भी निराशा नहीं दिखाई दे रही है। जैसे ही कल ओमी कालानी जी का स्टेटमेंट आया है, उसके बाद में कार्यकर्ता हमारे उत्साहित नजर आ रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि मनपा चुनाव में हम वापसी करेंगे। कुमार एलानी ने फाउंडेशन से बात करते हुए कहा कि आने वाले 5 वर्षों में इतना विकास होगा जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुमार एलानी जी ने कहा है कि मेट्रो ट्रेन हमारे शहर में चलेगी, और मैं आज कुमार एलानी जी को चुन कर आकर 2-3 दिन हुए हैं, 5 साल हम उनका वादा देखेंगे कि मेट्रो ट्रेन हमारे शहर में आनी चाहिए, मेट्रो ट्रेन के अंदर हमारे शहरवासी बैठेंगे, ये बहुत स्वर्ण एक स्वर्ण और आनंद की चीज होगी। हमारे शहर में रीडेवलपमेंट के नाम पर जो बिल्डिंगें बनाई जा रही है, उन बिल्डरों की तरफ से लूटा जा रहा है शहरवासियों को, और खास करके उनके ऊपर दंडात्मक जो कार्रवाई, और राज्य की सरकार अभी पूर्ण बहुमत में भाजपा भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने दंडात्मक कार्रवाई माफ करेंगे ये लोगों से वादा किया है। 24 घंटा पानी देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे और व्यापारियों को सुरक्षा देंगे। अब देखना है कि शहर के अंदर गुंडागर्दी को बंद करके व्यापारियों की सुरक्षा करें, न कि सिर्फ हमारे ऊपर आरोप करें कि अपराधी है, क्योंकि वो खुद अपने अपराधियों को लेकर घूम रहे हैं, तड़ीपार जो है उनको लेकर घूम रहे, जिनके ऊपर खड़नी का आरोप है उनको लेकर घूम रहे, जिनके ऊपर अंडरवर्ल्ड से संबंध है उनको साथ में लेकर घूम रहे। व्यापारी भी अब देखेंगे 5 साल में क्या हो रहा है, किस तरीके से शहर की रूपरेखा रहेगी। जो विकास के बड़े बड़े वादे किए हैं कुमार एलानी जी ने, वो कैसे पूरे होंगे वो हम भी देखेंगे, शहर की जनता भी देखेगी। पर शहर की जनता से मैं हाथ जोड़कर एक ही विनंती करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जिस तरीके से हमारे ऊपर विश्वास रखा, वो विश्वास कायम रहेगा। महानगर पालिका के चुनाव में वापसी करेंगे हम आप लोगों के आधार से, और आप लोगों की मदद से एक बार फिर कालानी परिवार का महापौर जो है वो महानगर पालिका में होगा। विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से आप पर, दिनेश राय पर और संतोष पांडे पर, सुमित चक्रवर्ती पर शिकंजा कसा गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राज्य की सरकार इनकी है, वापस भी इनकी सरकार आई है, जो करना चाहते हो उन्होंने किया है। मुझे इसके पहले भी जेल में डलवाया था इन लोगों ने, मकसद एक था कि ओमी कालानी को छोड़ो। मेरे जीवन के आखिरी सांस तक मैं ओमी कालानी के साथ में रहने वाला हूँ। वो कितने भी जेल कुछ भी हो, मेरी धर्म पत्नी है, सुमित चक्रवर्ती के घर पर रेड करवाया है, उनको तकलीफ दी है,
हमारे संतोष पांडे को जेल के सलाखों में, बेगुनाह जेल के सलाखों में उन्होंने डाला है, दिनेश राय को डाला है, जो इस तरीके का जो षड्यंत्र कर चुनाव जीतना जो है वो लोकतंत्र के अंदर ठीक नहीं है, पर कुदरत देख रही है एक दिन इनके ऊपर भी ये सब होने वाला है। एक दिन समय आएगा, सरकार कुर्सियां आएगी, कुर्सियां चले जाएगी, राज्य की सरकार आती है और चले जाती है। हमारे पास उम्र बहुत है, आने वाले दिनों में जो हमारे साथ हुआ है वो इनके साथ भी हो सकता है, क्योंकि कुदरत जो है वो किसी को छोड़ती नहीं है। इन्होंने हमारे ऊपर जो भी मामले दर्ज किए हैं, जो भी हमको जेल के सलाखों में डाला है, आज हमारे परिवार पर क्या हुआ होगा, जब उनके ऊपर आएगा तो उनके परिवार को जब तब समझेगा कि हमारे परिवार पर जो बीती है वो उनके परिवार पर भी बीतेगी। पर मैं सभी तमाम कार्यकर्ता और नगर सेवकों को, तमाम हमारे कलानी प्यार पप्पू कलानी जी और ओमी कलानी जी के ऊपर प्यार करने वाले तमाम साथियों को मैं चाहूंगा कि आप अपना मनोबल कम ना करें, संघर्ष से काम करें। हम एक ओमी कलानी के माध्यम से एक विपक्ष, उल्लासनगर में मजबूत विपक्ष खड़ा होगा और मजबूती से काम करेंगे। जहां पर भी भ्रष्टाचार होगा वहां पर आवाज उठाएंगे, जहां पर भी किसी चीज पर अन्याय होगा वहां पर आवाज उठाएंगे। ओमी कलानी विपक्ष की भूमिका में एक मजबूत नेता के तौर पर शहर में उभरेंगे और महानगर पालिका में महापौर हमारा होगा। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय बालाजी पैकेज टूर्स और यात्रा लेकर आए हैं कश्मीर और माँ वैष्णो देवी की बेहतरीन यात्रा, और घुमाया जाएगा श्रीनगर का मशहूर रंग बिरंगी तुलिप गार्डन 22 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक। इस पैकेज में आपको दिया जाएगा 3 टायर ट्रेन टिकट्स अप एंड डाउन, साथ ही दिन आपको दिया जाएगा ब्रेकफास्ट एंड डिनर वेज नॉन वेज, नॉन वेज केवल कश्मीर और पहलगाम में, 2 रातें माँ वैष्णो देवी यात्रा कटरा में और 5 रातें होंगी कश्मीर की हसीन वादियों में, जिसमें 3 रातें होंगी श्रीनगर, 1 रात होगी डांस एंड डीजे इन पहलगाम और 1 रात किया जाएगा कैंडल लाइट डिनर इन डल लेक हाउस बोट। सभी साइट सीइंग की जाएगी मिनी बस से। इस पूरे पैकेज की कीमत केवल 21,000 रुपए।